Hello kids, how are you? Hope you all are well and enjoying at home, and along with this you are doing study every day, you are attending the online classes. As you know, yesterday we have completed our chapter number 8, We Are Different. We have completed question answers, we have completed the chapter also. And hope you understood the chapter and you have learned the question answers, hard words also. Now today we will start next chapter, chapter number 9. Crazy animals. Do you know what is the meaning of crazy? Crazy means pagal. We can say extra psychic. जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना और खुशी के मारे पागलपंती करते हैं, लाइक दैट. सो वी हैव टू रीड अबाउट क्रेजी एनिमल्स, यानी पागल जानवर कैसे होते हैं. वी विल रीड अबाउट दीज एनिमल्स. जानवर ओके. सम एनिमल्स आर क्रेजी बट स्वीट. कुछ एनिमल्स होते हैं जो पागल होते हैं बट स्वीट. स्वीट का मतलब मीठ ही नहीं, उनको अपन कोई टेस्ट थोड़े ना करते हैं कि वो कैसे होते हैं. स्वीट का मतलब होता है अच्छे. सो सम एनिमल्स आर क्रेजी बट स्वीट. हाउ, कैसे, ये जानने के लिए लेट्स रीड द चैप्टर. चलो चैप्टर पढ़ते हैं. नाउ ऑन फर्स्ट नंबर स्टॉर्म. स्टॉर्म, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉर्म? स्टॉर्म को मीन्स होता है धम धम करके चलना, यानी जंपिंग कर कर के चलना. धम धम करके चलना. कौन सा एनिमल धम धम करके चलता है? डू यू नो विच एनिमल्स वॉक लाइक दिस? स्टॉर्म. स्टॉर्म जेब्रा इज प्राउड. डू यू नो द एनिमल जेब्रा? जेब्रा कैसे चलता है? स्टॉर्म. स्टॉर्म यानी धम धम करके. ही फील्स प्राउड. प्राउड मीन्स होता है गर्व. क्या होता है? गर्व. यानी जेब्रा को अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं कितनी भी भीड़ हो उसमें से भी मैं निकल सकता हूँ, या मैं सब कुछ देख सकता हूँ. जेब्रा बहुत बड़ा होता है, हाइट उसकी ज़्यादा होती है, तो वो क्या कर सकता है. और हाँ, उसकी जो उसके जो लेग्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो ही कैन वॉक फास्ट क्विक. बिकॉज ही स्टैंड्स आउट इन अ क्राउड, यानी वो बहुत सारे भीड़ में भी अपने आप को अलग रख सकता है. He can walk fast, so he feel proud on self. How he walks? How the zebra walks? Stomp, stomp, stomp. Just learn from this paragraph in one question. How the zebra walks? Stomp, stomp, stomp. Stomp means dham dham karke chalna. Understand? Now, second paragraph. And on the second number, there is a mouse. Do you know mouse means kya hota hai? Jante ho? Fir rat means kya hota hai? Sorry, rat means kya hota hai? Rat means ki chuha hota hai. डोंट बी कंफ्यूज. कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीन क्या होता है? चूहा. नाउ ऑन सेकंड पैराग्राफ वी विल रीड अबाउट माउस. माउस की आवाज जो होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू यू नो? स्क्वैक. स्क्वैक होता है एक तरह से चीख. किसकी? माउस. चूहे की जो आवाज होती है उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
squawk. Understand? Squawk, squawk, little mouse. Little means छोटा. Little means छोटा. छोटा सा माउस है वो किस कैसे चीखते हुए चलता है. Squawk, squawk. Scrampers. टेम्पर्स का मतलब होता है चलना. वॉकमैन क्या होता है चलना. और स्कैम्पर्स का मतलब भी क्या होता है चलना. अंडरस्टैंड. तो माउस कैसे चलता है डू यू नो कैसे चलते हैं. क्विकली. क्विकली का मतलब होता है फास्ट जल्दी तेज. ओके द माउस वॉक या वी कैन से स्क्रैम्पर्स क्विकली थ्रू द हाउस. यानी घर में कोई चूहा होता है और जब हम उसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो कितना जल्दी गायब हो जाता है ना. हाउ स्पीडली एक फॉग कितना स्पीड से चलता है. बट इसकी जो चीखने की आवाज है इसकी जो आवाज है उसको अपन क्या बोलेंगे स्क्वैक. क्या बोलेंगे स्क्वैक. ओके सो हाउ माउस वॉक. माउस कैसे चलता है क्विकली फास्ट. ओके नाउ वी विल रीड अबाउट नेक्स्ट एनिमल. थर्ड नंबर पे कौन सा है अकॉर्डिंग टू आवर बुक. लायन. हैव यू हर्ड अबाउट दिस लायन. हैव यू एवर सीन मे बी इन फॉरेस्ट maybe in zoo if you went or if you haven't seen you can see in future you can go to zoo to see the lion. Now see a lion jo awaaz karta hai jo dahad lagata hai usko english mein kya bolte hain do you know it's called roar. Roar means दहाड़. रोर मीन्स क्या होता है शेर की दहाड़. यानी शेर जो जोर से आवाजें करता है जब उसको भूख लगी होती है उसे कोई खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो वो जोर से दहाड़ता है और उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं रोर. ओके नेक्स्ट रोर रोर हियर लाइन रोर. हियर का मतलब क्या होता है सुनना. लिसन मीन्स क्या होता है सुनना. And here means also sunna. Okay, you are getting one new words today. आपको नए words मिल रहे हैं same meaning वाले. Now see, sheep क्या करता है दहाड़ता है. Eats his lunch. यानी अपना lunch खाता है एंड स्टिल वॉन्ट्स मोर. खा लेता है फिर भी उसको और चाहिए होता है. किसको सॉरी लाइन. ईट्स. ईट मीन्स क्या होता है डू यू नो इट मीन्स क्या होता है खाना. और लंच दोपहर का खाना जो हम ब्रेक टाइम में करते हैं लंच टाइम में करते हैं ना लंच उसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं दोपहर का खाना. तो लाइन जो है वो दहाड़ लगाता है अपना लंच खा करके उसे भूख लगी होती है और खाने के लिए क्या करता है वो दहाड़ लगाता है. अब बहुत का मतलब होता है और अंडरस्टैंड. नाउ सी
Lion, rod, hear, listen, eat, lunch, more. All the words I have told you in Hindi. So you have to learn these spellings. Then we will read the remaining half chapter in tomorrow's video. Till then.